दोस्तों, हम आप जब भी किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो यह चीज हमने जरूर और आपने जरूर फेस किया होगा कि वहां पर एक कैप्चा कोड भरने का एक ऑप्शन आता है, तो हमको एक इरिटेशन होती है कि यार ये कैप्चा कोड भरने का ऑप्शन ही क्यों आता है, हम सीधे उस वेबसाइट पर विजिट क्यों नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको टिकट बुक करना है तो वहां पर भी आप इंटर करेंगे IRCTC की वेबसाइट पर तो आपको कैप्चा मिलेगा। तो वास्तव में इसका क्या कारण है, पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है कि कोई भी वेबसाइट या कोई ब्लॉग या किसी प्रकार की कोई भी वेबसाइट है तो वहां पर कैप्चा कोड इसीलिए दिया जाता है क्योंकि होता क्या है कि जो हैकर होते हैं वो वेबसाइट को हैक कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, एक लिंक भेज देते हैं वेबसाइट के अंदर, इंटर हुए उसके बाद उन्होंने अंदर जाकर के एक लिंक भेज दिया वेबसाइट पर, और अगर आपने जो ओनर है अगर वो वेबसाइट को उस लिंक पर क्लिक कर देता है जो उन्होंने भेजी है तो वह पूरी की पूरी वेबसाइट को वह हैक कर लेते हैं। उस समस्या से बहुत ज्यादा लोग परेशान थे तो उन्होंने यह एक नई चीज खोजी कि कैप्चा कोड। अब वहां पर क्या होता है कि सबसे पहले उनको कैप्चा कोड मिलता है, अब अगर वो कैप्चा कोड को भरा नहीं जाएगा तब तक वो वेबसाइट के अंदर जाएंगे नहीं। अब कैप्चा कोड से क्या होता है कि कैप्चा कोड से यह निर्धारित हो जाता है कि जो वेबसाइट पर विजिट कर रहा है वास्तविक रूप से वह कोई रोबोट है या कोई इंसान है। अगर रोबोट होगा तो वह क्या करेगा कि इन कैप्चा कोडों को सही से रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैप्चा कोड एक अलग प्रकार की डिजिट्स के बनाए जाते हैं। स्मॉल लेटर में भी होता है, कैपिटल लेटर में भी होता है, अंक भी बीच में होते हैं, जो स्पेशल कीज होते हैं उनको भी इनमें शामिल किया जाता है। तो अगर रोबोट होगा तो वह सही से रीड नहीं कर पाएगा और सही से कैप्चा भर नहीं पाएगा। तो यहां पर यही निर्धारित करने के लिए कैप्चा कोड रखा जाता है कि वह जो व्यक्ति है जो विजिट कर रहा है वेबसाइट पर वह रोबोट है या कोई इंसान है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी कि कैप्चा कोड क्यों रखा जाता है किसी वेबसाइट पर विजिट करने के दौरान। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार दोस्तों।